गाइस, ये पायोनियर की वेबसाइट गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। इस वेबसाइट के ऊपर आप आ सकते हो डायरेक्ट, नहीं तो अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके इस पेज के ऊपर आ सकते हो। तो अभी आपको मैं सब कुछ डिटेल से बताऊंगा कि हम पायोनियर का अकाउंट कैसे बना सकते हैं, इसका कार्ड कैसे हम घर बैठे हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान में। तो बहुत ही ईजी से स्टेप है इसके, आप अच्छी तरह देखिएगा। अभी मैं आपको बताने लगा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। तो अगर आप मोबाइल पे यूज़ करोगे, मोबाइल पे करोगे तो उस पर भी सब कुछ सेम ऐसा ही प्रोसीजर है, कोई आपको इसमें मुश्किल काम नहीं है, तो बहुत आसान सा काम है। तो अभी चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रजिस्टर। अगर तो आपके पास इसका अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हो। अभी तो हमने रजिस्टर करना है क्योंकि मेरे पास अकाउंट नहीं है। तो रजिस्टर इधर भी बड़ा सा लिखा हुआ आ रहा है और इस साइड पर भी। तो आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो आपसे वो पूछ रहा है कि आप मतलब किस लिए अकाउंट आप चाहते हो पायोनियर का। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हो। तो जैसे मैं ये वाला नीचे वाला ले लेता हूँ, आई एम लुकिंग टू, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना है इसके ऊपर, मनी सेंड करनी है, किसी से लेनी है, ठीक है, ऑर्डर प्री पे कॉड करना है। तो ये आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। और लेकिन इधर मैं आपको एक बात सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाली चीज़ ऐसे रहने दें। आप क्या करें, साइन इन पे आए, मतलब जहाँ पे आपने किस कोई भी अकाउंट अपना ओपन करना है उस पेज के ऊपर आए। उस पेज के ऊपर आने के बाद आपने साइन अप, ये नीचे आप ये देख सकते हैं, इसके ऊपर आके क्लिक कर लेना है। अगर तो आप उधर उनके क्वेश्चंस देने बैठ जाओ तो वो काफ़ी सारे पूछने बैठ जाता है, तो उसका मतलब कोई इतना अहम काम नहीं है। तो आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, साइन इन पे आना है, उसके बाद ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा जहाँ पे लॉग इन पेज होता है। तो आपने इसके नीचे आता है न्यू टू पायोनियर, ठीक है, आपने नया अकाउंट पायोनियर का बना, तो आप साइन अप पे क्लिक कर सकते हो। इसमें आपके पास एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्म आ जाएगा, मतलब वो क्वेश्चंस जो आ रहे थे उनका आंसर दिए बिना आप इस पेज के ऊपर आ जाओगे। तो इसके अब एक दो तीन चार स्टेप हैं, चार स्टेप आपने कंप्लीट करने हैं तो आपका अकाउंट इसमें बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो सबसे पहले तो उसकी टाइप है, तो आप जो मर्जी टाइप कंपनी के लिए बनाना चाहते हो, इंडिविजुअल बनाना चाहते हो, तो आप कोई भी टाइप्स, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपने बस मतलब आपने फ्रीलांसर्स के जरिए पैसे आप कमा रहे हो, मतलब आपको वहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो आप इसके ऊपर बनाओ। कंपनी के लिए फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें, वो NTN नंबर, काफ़ी सारी चीज़ें आपसे वो मांगना शुरू कर देता है। तो उसके बाद आ गया रहा फर्स्ट नेम। अच्छा, तो फर्स्ट नेम में आपने जिसका भी अकाउंट बना रहे हो उसके आईडी कार्ड के ऊपर जो नेम है आपने वो लिखना है। ये नहीं कि आपने कोई भी नेम उठाया, कोई निक नेम उठाया, कोई इधर से स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह, तो आपने ऐसा काम नहीं करना। जो आपका आईडी कार्ड है, जो आपका CNIC है, वो वाला आपने इधर आके, वो आके आपने इधर अपना नेम लिखना है। तो अभी मेरे पास एक आईडी कार्ड है, मैं वो लिखता हूँ। उसके बाद लास्ट नेम, मतलब जो लास्ट में फादर नेम वगैरह होता है, आप वो लिख सकते हो। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस, मतलब वो वाला ईमेल एड्रेस लिखना है जिसके ऊपर आपको कन्फर्मेशन मैसेज या आप आगे पढ़ भी सकते हो, वो आपको बता रहा है। तो उसके वो लिखना है जिसके ऊपर आपको कोई लिंक मिल जाए, मतलब जब ये कन्फर्मेशन मांगते हैं पायोनियर अकाउंट, तो आपको इजी से मिल जाए। उसके बाद आपने दोबारा से अपना ईमेल रीइंटर करना है, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ इधर से और इधर ही पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का भी आपने बिल्कुल ध्यान से करना है, जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है वही आपने लगानी है। अगर तो आप इसमें डेट ऑफ बर्थ पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हो, मतलब कुछ हैवी लगा देते हो, तो आपका अकाउंट इसमें प्रॉब्लम करेगा, बनेगा नहीं। तो इसलिए आईडी कार्ड के ऊपर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही आपने लगा। आईडी कार्ड इसलिए बता रहा हूँ, आगे नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि आईडी कार्ड का मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूँ। तो अभी हम जल्दी से इसके ऊपर डेट लिख लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स का पूछेगा, ठीक है, तो आपका जो एड्रेस है आपने सब कुछ इसमें इंटर करना है। तो अभी मैं जल्दी से इंटर कर देता हूँ, आपके सामने सब कुछ करूँगा। मोबाइल नंबर भी आपने अपना बिल्कुल ठीक लिखना है, जो आपका मोबाइल नंबर है जिसपे अगर कोई मैसेजेस वगैरह आए तो वो आपने पहले, लैंडलाइन नंबर है तो वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, मोबाइल नंबर है वो सेलेक्ट कर सकते हो। अभी तो मेरे पास मोबाइल नंबर है तो वो नंबर मैं इधर लिख लेता हूँ। नंबर लिखने के बाद आपने नेक्स्ट
प्रोडक्ट्स के ऊपर आके क्लिक करना है। अब सिक्योरिटी डिटेल के ऊपर आ गया है तो सिक्योरिटी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, इसमें पासवर्ड लिखना है, सिक्योरिटी कुछ क्वेश्चंस पूछेगा वो लिखेगा अपना। अभी ये देखिए नेशनल आईडी जो आपका आईडी कार्ड नंबर है वो पूछ रहा है, तो अगर आपने वो पीछे गलत नेम वगैरह आईडी कार्ड डेट ऑफ बर्थ गलत लगाई होगी तो इधर आके आपको प्रॉब्लम करेगा, तो इस वजह से आपने ये वाली सारे ऑप्शन अच्छे से मतलब सही करने। तो अभी मैं जल्दी से आपके सामने ही जरा वीडियो तेज करके इंटर कर देता हूँ। तो पासवर्ड में कुछ मसला आ गया था, तो अब ये मैंने सब कुछ कर लिया है, आईडी कार्ड नंबर लिख लिया, ये सिक्योरिटी कोड होता है ये जो नीचे आ रहा होता है वो ही आप लिखो इधर। अगर तो आपको ये समझ नहीं आ रहा तो ये मतलब चेंज भी कर सकते हो, अगर आपके पास स्पीकर आ तो आप सुन भी सकते हो। तो ये सिंपल सा इजी सा है। अभी मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट में देखते हैं क्या पूछते हैं हमसे। तो नेक्स्ट में क्या है कि आपसे दोबारा पूछ रहा है पर्सनल अकाउंट है कि कंपनी अकाउंट है, तो आप पर्सनल पे रहने दे, यानी कि बैंक कंट्री मतलब कौन सी है तो पाकिस्तान है, तो आपकी करेंसी कौन सी है तो हमारी पीके आ रहा है, तो मतलब कोई और है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद आपसे वो आपका बैंक पूछ रहा है कि आपका बैंक कौन सा है, तो आपके पास इसका बैंक अकाउंट किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी मेरे पास एक लाइट बैंक है, उस बैंक अकाउंट का नेम क्या है मतलब होल्डर नेम क्या है वो आपने लिखना है, उस बैंक अकाउंट का आप आईबीएन नंबर लिख सकते हो। अब जब आपको चेक वगैरह मिलता है मतलब कुछ भी आपके बैंक की कोई इन्फॉर्मेशन होती है उसमें आपको आईबीएन नंबर होता है आपका, ठीक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो अभी मैं जल्दी से अपना ये जो मेरे पास बैंक अकाउंट है उसका आईबीएन नंबर लिख लेता हूँ। तो मैंने आईबीएन नंबर लिख लिया अपने बैंक अकाउंट का, आपने आई एग्री इसके टर्म एंड कंडीशंस इनके ऊपर सब पे बॉक्सेस पे क्लिक कर देना है। तो सिंपल सा ये लॉस वाला स्टेप था इसका, और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हमारे साथ क्या करता है ये। तो सबसे पहले हमें मैसेज मिल चुका है, एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है, योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिट, रिव्यू इन प्रोसेस, यू विल रिसीव ईमेल। ठीक है, हमें एक ईमेल अपने मतलब यानी कि जो मैंने ईमेल लिखा था उसके ऊपर विद इन द नेक्स्ट सेवन बिजनेस डेज में मुझे मिल जाएगा। तो उसके बाद मतलब कि मतलब मेरा अकाउंट उसमें एक मैसेज होगा। अभी चले हम चेक करते हैं कि हमें उस पर ईमेल मिल चुका है कि नहीं। तो अभी मैं जल्दी से अपना वो ईमेल यानी अकाउंट ओपन करता हूँ। तो अभी आप ये देख सकते हैं मुझे जो पॉइंटर के जो ईमेल्स हैं वो दो मिल चुकी हैं, और प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो इस पे चलते हैं, तो ये मुझे वेरीफाई मांग रहा है, तो मैं वेरीफाई माई ईमेल पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा जो अकाउंट है अभी वो वेरीफाई हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कितना इजी तरीके से मैंने अपना अकाउंट सारा कुछ आपके सामने बनाया, योर अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई योर ईमेल। तो हमारा जो अकाउंट है वेरीफाई हो चुका है। अब हम चलते हैं साइनिंग के ऊपर, अब हम इसको ऑन भी करके मैं आपको दिखाता हूँ कि वाकई में ऑन हो भी रहा है कि इस अकाउंट के नहीं हो रहा। तो ये मेरे पास अगेन लॉगिन पेज आ चुका है, अब हमने साइन अप नहीं करना क्योंकि हम अकाउंट बना चुके हैं। तो अब मैं वो वाला ईमेल या इसका यूजर नेम, अभी हमने आई थिंक यूजर नेम क्रिएट नहीं किया था, यूजर नेम जब हम इसको ऑन करेंगे वो हमसे खुद मांगेगा। तो अभी मैं अपना ईमेल लगाता हूँ वो वाला और हम इसको ऑन करते हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं मेरे पास इसका ईमेल ऑन हो चुका है। तो अभी कुछ मतलब इसकी अपडेट वगैरह जो आपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी है वो हम इधर देंगे। तो सबसे पहले इसके सिक्योरिटी क्वेश्चन है, मतलब अगर आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाते हो या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपसे इस तरह के सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकता है। तो हाउ ओल्ड वर योर मदर व्हेन यू वेयर बॉर्न, ठीक है, एक हील कर लेते हैं, और दूसरा क्वेश्चन मैं कुछ और सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको जो ईजी लगता है वो आप अपना क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी फजूल में मैंने कर लिया, तो चलो मैं इसमें लिख देता हूँ जल्दी से, और उसके बाद आपने सबमिट करना है। तो ये देख सकते हैं मेरा अकाउंट जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो चुका है, सब कुछ इसका
यानी कि आपके सामने मैंने एक दिन में सब कुछ बनाया, मतलब अभी अभी मैंने सारी वीडियो को बनाया, मैंने इसमें स्किप नहीं किया कि एक दिन छोड़ के अगले दिन बार बार दोबारा वीडियो कंटिन्यू की हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मेरे पास पायोनियर अकाउंट है वो ओके हो चुका है। अब आप फ्रीलांसर्स मतलब कुछ भी ऐसे अर्निंग करते हो कुछ भी साइट से, तो आपको वहाँ से पेमेंट जो आती है, आप अपना पायोनियर अकाउंट दो उनको, वो आप इसमें रिसीव कर सकते हो। और अगर आप उस यानी कि उसको अपने रिसीव करना चाहते हो मतलब रुपीज़ में, तो आपके पास जैस कैश बहुत आसान सा तरीका है, उसकी मैं पहले भी बता चुका हूँ, वीडियो में बना चुका हूँ जैस कैश के बारे में। तो अगर आप वो देखना चाहते हो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए।